आज हमारे पास एक कोड है जिसके अंदर एनसेन वर्ड का प्रॉब्लम है। तो चलिए आज हम इसके बारे में सीखते हैं कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हमने सब रूल खोल दिए हैं इसके। अब हम इसकी जो बॉडी होती है उसको हम कंप्यूटर की मदद से आसानी से खोल देंगे। खोलने के बाद इसकी जो पीसीबी होती है वो मेटल के साथ उसको आसानी से अलग कर देंगे। अलग करते टाइम थोड़ा ध्यान रखिए कि कुछ खराबी ना हो पीसीबी में। अब ये पीसीबी अलग कर ली है हमने। अब हम तो चलिए इसे एसपी कनेक्टर के पास जाएंगे। एसपी कनेक्टर के पास जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे चार प्रिंट दिए हुए हैं जो एसपी कनेक्टर के हैं। इसमें हमको चाहिए सिर्फ तीन, एक दो और तीन। ये तीन जो प्रिंट दिख रहे हैं आपको उसके ऊपर आप जम्पर लगा दोगे तो हैंडस्प्री मोड का किसी भी तकलीफ होगी हैंडस्प्री मोड की वो दूर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसके ऊपर जो जम्पर तार होता है उसे पिघला कर जो एजिमेटेड तार होता है उसको निकाल कर अच्छी तरह से इसके ऊपर जम्पर लगा देंगे। जम्पर लगाने के लिए आपको एक बात खास ध्यान रखना है कि आपको माइक्रो सोल्डरिंग का ही उपयोग करना है, क्योंकि इसके आजू बाजू फ्रेम होता है उसके आजू बाजू छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। इसीलिए अब ये यहाँ पे जम्पर लग गया है। अगर आप जम्पर के द्वारा नहीं ठीक करना चाहते हो तो आप इसकी जो लाइन वायर लाइन होती है उसको फाइंड करके उसके अंदर दो कोयल होती है उसके बाजू में ही होती है उसको निकाल दोगे जो भी जो एंट्री मोड का तकलीफ होता है वो दूर हो जाएगा। फिलहाल हम इस फॉर्म को चेक कर लेंगे। ये 90% ये जो टिप होती है वो सही मानी जाती है इसलिए हम यही करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो एंट्री मोड का तकलीफ था वो लगता है दूर हो गया है, इसीलिए रिंगर में रिंग बज के रखी। और आप देख सकते हैं ये जो सिंबल था वो चला गया है, इसका मतलब कि एंट्री मोड का जो तकलीफ था वो दूर हो गया है।